हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम रेल यात्रा के दौरान दे जाने वाले खाने के एक्सपीरियंस यानी कि अनुभवों के बारे में जानेंगे और कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जानेंगे जिनकी मदद से आप उसे और भी बेहतर कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। ट्रेन यात्रा के दौरान खाना हमारे सफर का एक अहम हिस्सा होता है। आज हम बात करेंगे ट्रेनों में मिलने वाले खाने के सबसे अच्छे और सबसे खराब अनुभवों की। अगर आप भी ट्रेन में सफर के दौरान फूड लवर है तो यह वीडियो आप ही के लिए है। बात करें सबसे अच्छे अनुभवों की तो वह हमें प्रीमियम ट्रेनों के खानों में मिलती है, जैसे कि वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस। अगर आप वंदे भारत या राजधानी एक्सप्रेस में सफर कर रहे हैं तो आपको अच्छा खाना मिलने की गारंटी है। यहाँ हर मील समय पर साफ सफाई के साथ और ताजा मिलता है। खासकर राजधानी की बिरयानी या वंदे भारत की कॉन्टिनेंटल मील्स की खूब तारीफ होती है। खाने में क्वालिटी और टेस्ट दोनों बेहतरीन होते हैं। इसमें आगे आता है ई कैटरिंग से ऑर्डर किया हुआ खाना। आजकल आप IRCTC ई कैटरिंग से फेमस रेस्टोरेंट का खाना अपनी सीट पर मंगवा सकते हैं। इसमें आप अपने पसंदीदा ब्रांड के जैसे डोमिनो, हल्दीराम या लोकल रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि एकदम ताजा और स्वादिष्ट होता है। इसमें आगे आता है लोकल स्पेशल एंड फेमस फूड्स। कुछ स्टेशन ऐसे हैं जहां लोकल फूड बेहद मशहूर है, जैसे पुणे स्टेशन की मिसल पाव, इटारसी का समोसा, सूरत का खम्मंड और ढोकला, जो कि हमारे सफर के दौरान हमारे खाने के स्वाद और अनुभव दोनों को खास बना देता है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सबसे खराब अनुभव के बारे में, जिसमें पहले नंबर पे आता है खराब गुणवत्ता वाला खाना। सभी ट्रेनों में खाने का अनुभव अच्छा नहीं होता है। खासकर सामान्य ट्रेनों में कई बार खाने का स्वाद खराब होता है। ठंडी रोटियां, बासी सब्जी और गंदे पैकिंग में परोसे गए खाने ने कई यात्रियों को निराश किया है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिन्हें फॉलो करके आप अपने यात्रा के दौरान खाने के अनुभव को बेहतर कर सकते हैं। IRCTC की ई कैटरिंग सुविधा का उपयोग करें। आप पहले से ही अपने पसंदीदा स्टेशन पर खाना ऑर्डर कर सकते हैं। बात करें दूसरे टिप की, इसमें अगर सफर ज्यादा लंबा नहीं है तो घर से खाना पैक करके ले जाएं। यह हेल्दी और स्वादिष्ट रहेगा। तीसरे टिप में, अगर आप ट्रेन के अंदर का खाना खरीद रहे हैं तो वेंडर या स्टेशन पर फूड की रेटिंग और रिव्यू चेक करें। तो दोस्तों, ये थे ट्रेन में मिलने वाले खाने के सबसे अच्छे और सबसे खराब अनुभव। आपका सबसे अच्छा या सबसे खराब अनुभव कौन सा रहा है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही मजेदार और जानकारी भरी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपके मन में रेलवे से जुड़े कोई और सवाल है तो हमें कमेंट में जरूर पूछें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।